आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक व्हाट इज हार्मोनिक इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, मतलब कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हार्मोनिक क्या होता है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम हार्मोनिक क्या होता है इसी के साथ साथ हार्मोनिक से जुड़े और भी कई सारे सवालों के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि सेकेंड हार्मोनिक क्या है, थर्ड हार्मोनिक क्या है, हार्मोनिक होने के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या नुकसान होते हैं, हार्मोनिक इलेक्ट्रिकल सिस्टम में किस तरीके से सही किया जाता है, हार्मोनिक इलेक्ट्रिकल सिस्टम में पैदा ही क्यों होता है। तो दोस्तों इसी तरीके के कई सारे सवालों के ऊपर इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले अगर हम बात करें कि हार्मोनिक होता क्या है, अगर हम इस हार्मोनिक को सबसे पहले आसान शब्दों में समझे तो इसका मतलब सिंपल सा यही है कि हमारी हार्मोनिक जो है वो हार्मोनिक एक तरह से पावर क्वालिटी इशू है हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर। ये पावर क्वालिटी इशू का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है दोस्तों कि हमारी हम जो इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पूरी बराबर नहीं है, उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी है। तो आखिर वो क्या खामी है उसी चीज को भी अभी हम अच्छे से समझेंगे। दोस्तों इसको समझने के लिए आपको सबसे पहली चीज एक तो यह पता कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी तो हम में से अधिकतर लोगों को पता ही है कि हमारे जो भी इलेक्ट्रिसिटी हम जो इंडिया में यूज कर रहे हैं एसी सप्लाई में वो हमारी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की है। अब यह 50 हर्ट्ज क्या है, तो इसका मतलब यह कि हमारे इंडिया में जो भी हम एसी करंट को यूज कर रहे हैं वो एक सेकंड के अंदर 50 बार अपनी डायरेक्शन को बदल रही होती है। और अगर हमें से किसी से पूछा जाता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम कुछ इस प्रकार से एक साइनोसोडियल वेवफॉर्म को बना देते हैं। तो दोस्तों यह जो हम साइनोसोडियल वेवफॉर्म को बनाते हैं इसी वेवफॉर्म के अंदर ही हमारा जो करंट है वो हमारे करंट इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्लो होता है और साथ साथ हमारा जो वोल्टेज है वो वोल्टेज भी हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्लो होता है। अब अगर हम हार्मोनिक की बात करें तो हार्मोनिक क्या है, तो हार्मोनिक यही है कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है ना दोस्तों, इस फ्रीक्वेंसी के अंदर ही हमारी डिस्टर्बेंस आ गई। मतलब कि हमारी एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी तो कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए, पर हार्मोनिक के होने की वजह से वो फ्रीक्वेंसी कुछ इस प्रकार से बदल गई। अभी ये फ्रीक्वेंसी इस प्रकार से क्यों बदली, इन सब चीजों को भी हम जानेंगे और इससे होने वाले नुकसान के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते कि आखिर ये जो साइनस वेवों में ये खराब किस कारण से हो जाती है। इसके खराब होने के पीछे का जो रीजन है वो है हमारा नॉन लीनियर लोड। तो दोस्तों हमारे इलेक्ट्रॉनिक के अंदर जितने भी नॉन लीनियर लोड है उसी के कारण ही हमारी साइनोसोडियल वेवफॉर्म में डिस्टरबेंस आ जाती है और यह खराब हो जाती है। अब ऐसे कौन कौन से लोड है, तो इसके हमारे कई सारे उदाहरण है, जैसे कि हमारे घर में लगी एलईडी जो है उस एलईडी के कारण भी हमारे एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी में डिस्टरबेंस आती है। साथ ही साथ हम जो प्रिंटर का उपयोग करते हैं उस प्रिंटर के कारण, हमारे कंप्यूटर के कारण, मतलब हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसके अंदर हमारे स्विचिंग हो रही है और वो काफी मिली सेकंड के अंदर हो रही है, तो उसके कारण हमारे सर्किट के अंदर हार्मोनिक क्रिएट हो जाता है। और जब भी हम हार्मोनिक की बात करते हैं तो हार्मोनिक के साथ में एक वर्ड हमेशा आता है जो आता है VFD, क्योंकि यह जो VFD होती है इस VFD के कारण हमारे इंडस्ट्री के अंदर हार्मोनिक काफी ज्यादा क्रिएट होता है। अब आप बोलेंगे कि आगे ठीक है कि VFD को तो हम हमारी कंपनी में यूज कर रहे हैं तो वहां पे हमारे हार्मोनिक क्रिएट हो गया। हार्मोनिक क्रिएट का मतलब क्या हुआ, हार्मोनिक क्रिएट का मतलब कि हमारे जो वेवफॉर्म है साइनोसोडियल की जगह कुछ इस प्रकार की वेवफॉर्म बनने लग गई। तो ये तो हमारे हम समझ में आ गया, पर आखिरकार वो तो इंडस्ट्री की बात हो गई। पर हम घर में भी तो हमारे कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, हमारे प्रिंटर का, एलईडी का, इन सब का उपयोग करते हैं, तो हमारे घर में भी हार्मोनिक क्रिएट हो गया होगा, तो हमको घर में भी कुछ नुकसान है क्या? तो दोस्तों देखिए हार्मोनिक के कई सारे नुकसान है और हार्मोनिक कई सारी चीजों से पैदा होती है। अभी तो मैंने आपको कुछ छोटे से एग्जांपल ही बताए, इसके अलावा एक और मैं सबसे महत्वपूर्ण एग्जांपल की बात करूं जो घर में उपयोग होता है वो होता है हमारा वोल्टेज रेगुलेटर। हम सभी हमारे फैन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए वोल्टेज रेगुलेटर का उपयोग करते हैं, उसके अंदर हमारे एक स्विचिंग डिवाइस का उपयोग लिया जाता है जो कि होता है ट्राइक। इस स्विचिंग डिवाइस के उपयोग के कारण भी हमारे उस रेगुलेटर से काफी सारी मात्रा में हार्मोनिक क्रिएट होता है। तो इस बात से हमें पहली चीज तो यह पता चल गई कि हमारे घरों में हार्मोनिक तो क्रिएट होता है और साथ ही साथ हमारे इंडस्ट्री के अंदर भी होता है। तो आखिरकार सिर्फ हम हमारी इंडस्ट्री के अंदर ही हार्मोनिक की बात क्यों करते हैं, हमारे घरों के अंदर क्यों नहीं करते? तो दोस्तों इसके पीछे का जो रीजन है वो सिंपल सा यही कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट हमको थोड़ा अलाउ करती है कि आपके सिस्टम में थोड़ा बहुत हार्मोनिक चल सकता है। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री के अंदर अगर आपका 5 से 8% तक करंट हार्मोनिक है तो करंट हार्मोनिक हमारा इतना अलाउ रहता है इंडस्ट्री के अंदर। और अगर हम अभी वोल्टेज हार्मोनिक की बात करें तो वो 2 से 3% तक कंपनी में अलाउ होता है। अब आप सभी के मन में यह अगला क्वेश्चन आ गया होगा कि आखिर ये करंट हार्मोनिक क्या है और वोल्टेज हार्मोनिक क्या है, अभी तो हमने सिर्फ हार्मोनिक की बात करी थी। तो दोस्तों ये दोनों चीजें क्या है इसको भी अभी हम समझ लेंगे और साथ ही साथ आखिर थर्ड हार्मोनिक क्या होता है, सेकंड हार्मोनिक क्या होता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा हार्मोनिक से होने वाले नुकसान और इसको कैसे सही किया जाता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इन सभी के पहले एक मिनट हम आज के इस वीडियो के स्पॉन्सर को धन्यवाद देना चाहेंगे जो कि अनअकैडमी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। दोस्तों अनअकैडमी इस वीडियो के माध्यम से इसरो में तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट को एक जानकारी देना चाहती है। वह हमें यह बताना चाह रही है कि अनअकैडमी इंजीनियरिंग के सभी स्टूडेंट के लिए कुछ स्पेशल क्लासेस फ्री में दे रही है, जिन क्लासेस को देखकर कोई भी अपने टेक्निकल नॉलेज को बढ़ा सकता है और ये सारी क्लासेस फ्री
फ्री है। अगर आप में से कोई भी इन फ्री क्लासेस को देखना चाहता है तो इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और साथ ही साथ अन अकेडमी स्पेशल फ्री क्लासेस के साथ में सभी इसरो के स्टूडेंट के लिए एक फ्री में मॉक टेस्ट भी करवा रही है। इस मॉक टेस्ट के अंदर आपको टोटल 90 मिनट के अंदर 80 क्वेश्चन को करने होंगे। इस मॉक टेस्ट को देने से आपका जो टेक्निकल नॉलेज है वो नॉलेज भी चेक होगा और साथ साथ जो भी इस मॉक टेस्ट में टॉप 15 स्टूडेंट होंगे उनको अन अकेडमी के द्वारा 5,3300 और 1,650 रुपए के फ्री अमेजोन वाउचर भी दिए जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप में से कोई भी इस स्पेशल क्लास और मॉक टेस्ट के लिए इनरोल करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी चीजों के बाद में हम वापस से हमारे टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं जिसके अंदर अभी हम बात कर रहे थे कि करंट हार्मोनिक और वोल्टेज हार्मोनिक क्या होता है। तो दोस्तों इसको एक उदाहरण से काफी आसानी से समझा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए ये एक हमारी मोटर है, हमने हमारी कंपनी के अंदर एक 3 फेज की मोटर लगा रखी है। अब यह जो मोटर है यह मोटर हम VFD से रन करा रहे हैं, मतलब कि हमारी इस मोटर की हम स्पीड को बार बार कंट्रोल करते हैं। और साथ ही साथ अभी हम एक उदाहरण मान लेते हैं कि हमारी जो यह मोटर है यह मोटर हमारी 50 एम्पियर करंट को ड्रॉ कर रही है, 50 एम्पियर करंट ले रही है। तो दोस्तों अब ये जो 50 एम्पियर करंट है ना, पर ये जो 50 एम्पियर एक्चुअल में हमारी मोटर ही करंट ले रही है या फिर इसके अंदर कुछ लॉस है, तो यह चीज भी हमें पता होनी चाहिए। अगर हम अभी एक एग्जांपल की बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारी जो मोटर है वो मोटर एक्चुअल में सिर्फ 40 एम्पियर ही करंट ले रही होगी, इसके अलावा जो हमारा 10 एम्पियर करंट है उसमें से हमारा 2 एम्पियर हमारा जो है वो सेकंड हार्मोनिक की वजह से जनरेट हो रहा होगा, इसके अलावा हमारा 5 एम्पियर हमारे थर्ड हार्मोनिक की वजह से क्रिएट हो रहा होगा। तो दोस्तों यह जो हमारा एक्स्ट्रा करंट है ना 10 एम्पियर के ऊपर का जितना भी करंट वो तो हमारा पूरा एक तरह से लॉस ही है, मतलब कि हमारी जो मोटर है वो मोटर जो भी 10 एम्पियर एक्स्ट्रा करंट ले रही है उसका हमें कुछ भी फायदा नहीं है, वहां पे हमें सिर्फ नुकसान ही हो रहा है। तो अभी के लिए आपको जो मैंने ये एग्जांपल बताया 10 एम्पियर का, इससे भी आपको यह तो पता चल गया कि आखिर करंट हार्मोनिक क्या है। लेकिन अभी आपको यहां पे 2-3 चीजें और सुनने को मिली होगी, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कुछ एम्पियर हमारे थर्ड हार्मोनिक के अंदर चले जा रहा है, कुछ एम्पियर हमारा सेकंड हार्मोनिक के अंदर। तो आखिर ये थर्ड हार्मोनिक सेकंड हार्मोनिक क्या है, अभी हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आखिर ये सेकंड थर्ड फोर्थ हार्मोनिक ये सब क्या है, इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक चित्र लाया हूं जिसकी मदद से आप बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे। इसके अंदर अभी आप देख सकते हो कि हमारे रेड कलर की एक साइनोसोइडल वेवफॉर्म बनी हुई है। ये जो वेवफॉर्म है दोस्तों इसको यहां पे नाम दे रखा है फंडामेंटल वेवफॉर्म। अब आखिर ये फंडामेंटल वेवफॉर्म फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, तो इसका मतलब ये है जो एक्चुअल में हमारी वेवफॉर्म होनी चाहिए। हम सभी को पता है हमारा जो एसी करंट है एसी वोल्टेज है उसकी खुद की एक वेवफॉर्म होती है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो 50 ऐसी वेवफॉर्म होगी एक सेकंड के अंदर। तो यह जो एक्चुअल में असली जो वेवफॉर्म होनी चाहिए उसी को बोलते हैं हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल वेवफॉर्म। तो यह जो फर्स्ट रेड कलर की जो वेवफॉर्म शो हो रही है यह हमारी फंडामेंटल वेवफॉर्म है, तो यह आपको क्लियर हो गया। इसके बाद में सेकंड आपको दिख रहा है थर्ड हार्मोनिक। अब थर्ड हार्मोनिक क्या है, तो यहां पे आपको थर्ड हार्मोनिक व्हाइट कलर की लाइनिंग में दिख रहा है। तो व्हाइट कलर को अगर आप देखोगे तो एक्चुअल में तो हमारी सिर्फ एक ही वेवफॉर्म होनी चाहिए थी, पर अगर आप व्हाइट कलर की वेवफॉर्म देखोगे तो यहां पे टोटल कितनी वेवफॉर्म बन गई, ये हो गई यहां तक एक रेड व्हाइट कलर की, यहां पे टोटल एक हो गई। इसके बाद में यहां से वापस से शुरू होगी, यहां पे दूसरी और यहां पे एक और बन गई और यहां पे हो गई तीसरी, मतलब कि अभी आप देख सकते हो सिर्फ एक ही फंडामेंटल वेवफॉर्म के अंदर हमारी 3 व्हाइट कलर की वेवफॉर्म बन गई। तो जब इस प्रकार की हमें डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है तो उसे बोलते हैं हम थर्ड हार्मोनिक। अगर हम फिफ्थ हार्मोनिक की बात करें, फिफ्थ हार्मोनिक क्या होता है, तो इस चीज को आप ब्लू वाली वेवफॉर्म से देख सकते हो। इसके अंदर आप देख सकते हो कि यहां पे हमारी टोटल फिफ्थ हार्मोनिक की अभी बात करें तो यहां पे हमारी एक ही फंडामेंटल वेवफॉर्म के अंदर 5 वेवफॉर्म बन गई होगी। तो यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे नंबर 1 यहां से स्टार्ट हो, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4 और ये 5, मतलब कि हमारी सिर्फ एक फंडामेंटल के अंदर 5 साइनोसोइडल वेवफॉर्म बन जाती है, तो वो कहलाता है हमारा फिफ्थ हार्मोनिक। तो दोस्तों अभी इस वेवफॉर्म के कारण आखिर होता क्या है, तो आप इस सेकंड इमेज के अंदर देख सकते हो। इसके अंदर आप देख सकते हो कि हमारी जो येलो वाली जो वेवफॉर्म है ये हमारी फंडामेंटल वेवफॉर्म है, ठीक है। तो फंडामेंटल वेवफॉर्म बिल्कुल अपने लाइन में है। इसके अलावा इस इमेज के अंदर थर्ड हार्मोनिक को दिखाया गया जो कि इस ब्लू लाइन से है, तो यहां से नंबर 1, यहां पे नंबर 2 वेवफॉर्म और यहां पे नंबर 3, तो ये हो गए 3 वेवफॉर्म। मतलब कि दोस्तों असलियत में तो हमारी वेवफॉर्म क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए हमारी येलो वाली, लेकिन हमारे सिस्टम में यहां पे थर्ड हार्मोनिक क्रिएट हो गया। तो इस थर्ड हार्मोनिक के कारण जो एक्चुअल में जो वेवफॉर्म बन जाएगी वह जो इन दोनों वेवफॉर्म का जो मिक्स रिजल्ट होगा वो जो रिजल्ट होगा वह आप इस तीसरी वेवफॉर्म के अंदर देख सकते हो। इसको अभी मैं आपको पिंक कलर से शो कर देता हूं, तो ये आप देख सकते हो ये हमारी तीसरी जो वेवफॉर्म है कुछ इस प्रकार से है। मतलब कि हमारी जो असलियत में वेवफॉर्म जो कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए थी जो येलो कलर की, वो अभी इस थर्ड हार्मोनिक की वजह से चेंज होके वह हमारी कुछ इस वेवफॉर्म के अंदर चेंज हो चुकी है। तो यही हमारी हार्मोनिक कहलाती है, मतलब कि हमारी जो एक्चुअल में जो हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए उस वोल्टेज और करंट की वेवफॉर्म से हमारा जो डिस्ट्रक्शन हो जाता है वो हमारा हार्मोनिक ही कहलाता है। तो अभी आपको यह चीज तो क्लियर होगी कि हार्मोनिक क्या होता है, इसी के साथ साथ आपको थर्ड हार्मोनिक सेकंड हार्मोनिक आखिर ये सब क्या होता है यह भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आखिर हार्मोनिक कैसे क्रिएट होता है और इसको किस तरीके से सही किया जाता है।
दोस्तों देखिए, आपको हार्मोनिक के मैंने एग्जांपल तो कई सारे पहले ही बता दी कि हार्मोनिक कई सारी चीज़ों के कारण हो जाता है। फिर भी अगर आपको मैं सिंपल से एक वर्ड के अंदर बताऊं तो जहां पे भी हमारे कई सारी मिली सेकेंड के अंदर हमारी स्विचिंग होती है सिस्टम के अंदर, तो वहां पे हमारे हार्मोनिक क्रिएट हो जाता है। जैसे कि अगर आप उदाहरण के तौर पर देखोगे, किसी भी डिवाइस के अंदर अगर हमारे IGBT, SCR, ट्राइक, डायोड, इस प्रकार से किसी भी डिवाइस का उपयोग किया जा रहा है जो कि हमारे स्विचिंग के काम आते हैं, तो ये सारे हमारे हार्मोनिक को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर कई लोग देखेंगे कि हमारे जो कॉन्ट्रेक्टर होता है वो कॉन्ट्रेक्टर भी हमारे स्विचिंग का ही काम कराता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कॉन्ट्रेक्टर स्विचिंग ही कराता है, हमारी मोटर को ऑन ऑफ ही करता है, लेकिन वो कॉन्ट्रेक्टर हमारे मिली सेकंड में काम नहीं करता। यह जो IGBT हमारे VFD में उपयोग की जाती है, यह हमारे काफी मिली सेकंड के अंदर हमारी स्विचिंग करती है। तो यह जब इतनी मिली सेकंड में स्विचिंग करती है तो हमारी जो फ्रिक्वेंसी है, इस फ्रिक्वेंसी के अंदर हमारे डिस्टर्बेंस आ जाती है, और जो डिस्टर्बेंस आ जाती है वही हमारा हार्मोनिक ही कहलाता है। इसके अलावा अगर आपने कभी कैपेसिटर पैनल के पीछे भी एक रिएक्टर मतलब एक छोटा ट्रांसफॉर्मर टाइप का देखा होगा, तो वो जो लगाया जाता है वो भी हमारे हार्मोनिक कंट्रोल के लिए ही लगाया जाता है। तो दोस्तों इन सभी चीजों के ऊपर हम किसी और वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे, यह वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो गई है। अभी हम नेक्स्ट छोटे शब्दों में बात कर लेते हैं आखिर हार्मोनिक को कैसे सही किया जाता है। तो दोस्तों हार्मोनिक को सही करने के लिए हमारे हार्मोनिक फिल्टर आते हैं। वो हार्मोनिक फिल्टर कई टाइप्स के होते हैं, वो मुख्यतः 2 से 3 टाइप के होते हैं। लेकिन उन सभी जो हार्मोनिक फिल्टर होते हैं उसके अंदर होता क्या है, तो उसके अंदर हमारे एक तो रिएक्टर लगे होते हैं, साथ साथ उसके अंदर हमारे कैपेसिटर लगे होते हैं। यह जो रिएक्टर होते हैं यह हमारे काफी ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी पर वर्क करते हैं, और इन सभी चीजों में जो सबसे मुख्य चीज जो रहती है वो रहती है दोस्तों हमारे IGBT। अब हम सभी देखेंगे हमारी VFD के अंदर भी IGBT ही लगी होती है जो कि हमारे हार्मोनिक को पैदा कर रही है। अब वही IGBT का ही इस्तेमाल करके वापस से हमारे हार्मोनिक को सही किया जाता है। तो यही मुख्य चीजें हमारे हार्मोनिक फिल्टर पैनल में लगी होती है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया, लेकिन मैंने कोशिश की थी कि हार्मोनिक से जो मुख्य मुख्य चीजें वो सारी एक वीडियो के अंदर इंक्लूड करूं। उम्मीद है कि आपको मेरी यह मेहनत अच्छी लगी होगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ अगर आप अपनी टेक्निकल नॉलेज को चेक करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर फ्री में टेस्ट सीरीज देकर उसे इनरोल कर सकते हो। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो के प्रति रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।